एक्सरसाइज में आओ, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है। यस सर। चलो एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन देना है। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। सर पास एक एक्स्ट्रा बुक है। एक्स्ट्रा बुक हाँ है, ओल्ड वाली है। सर मैंने इसे दे दी। तो दे दी वो ओल्ड चाहिए। अच्छा मेरे पास भी ओल्ड है। चलो जेड वाई एक्स और 100 डिग्री। तो आपको इसमें एक्स वाई जेड फाइंड करना। ये बताओ वाई इक्वल्स टू टू सर वाई इक्वल्स टू 100 डिग्री। सीधी तो ऐसे अपोजिट एंगल इक्वल। देखो कि वाई इज इक्वल्स टू एंगल बी। क्यों अपोजिट एंगल? अपोजिट एंगल सॉरी हां अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो फिर लेकिन बी कितना है एंगल बी? सर 100 डिग्री। एंगल भी लगाया करो जब कोई हो तो वाई इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो एक वैल्यू आ गई। अच्छा ये बताओ मानसी कि जेड प्लस वाई कितना होगा? रुक जाओ जरा पूछने को। हाँ क्यों होगा? बहुत अच्छा तुमको अब आने लगा है। अब y की जगह क्या डालना है? 80 क्यों डालना है? 100 है तो 80 क्यों डलवा रही है ना, तो 80 क्यों डलवा रही हो? सही कि नहीं? y की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी? 100। तो फिर z कितना आ जाएगा? 100। बोलो देवव्रत सर 80 तो अब यहाँ z क्या रख दें दिव्या? सर z 80 क्योंकि 80 आ चुका है वही तो रखेंगे। तो इसको 80 रखेंगे। तो x is equal to सर एंगल z नहीं लगाएंगे, x x में नहीं लगाएंगे एंगल। x y के किसी एक वैसे वैल्यू होती है इसमें b में लगाते हैं। x y के जहाँ लिखा रहता है ना तो वहाँ से इसकी असली b होता है। ऐसे बुक भी नोटेशन यही यूज करती है। पीछे आप देखोगे तो एक्स वाई नहीं लगाती है, 1 2 लिखेंगे तब एंगल लगाते हैं। अब जरा इसका सेकंड पार्ट तो देखो। सेकंड पार्ट क्या है? डी ऐसे तो यहाँ ये 50 डिग्री है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये वाई है, दिस इज एक्स और दिस इज जेड। ठीक है तो ये बताओ कि कृतिका वाई प्लस 50 डिग्री क्या होगा? सर रुक जाओ रिया। 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर कोई नहीं है। सही है 180 डिग्री दैट इज कोर इंटीरियर एंगल्स। अब क्या करें रिया? इसके बाद 180 डिग्री हो गया। यस सर। अच्छा ये बताइए y इज इक्वल्स टू z क्यों है? सर x होगा। अच्छा z क्यों है बोलो? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y और z इक्वल हुआ कि नहीं? तो y is equals to z. अब y कितना है? सर 130 डिग्री। तो z कितना हो गया? सर 130 डिग्री। यहाँ लिखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ऐसी लाइन कट करे तो ये क्या होता है? अल्टरनेट होते हैं कि नहीं होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
nearer angles. और दिव्या वाई एक्स के क्यों इक्वल है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो वाई की जगह में क्या रख दूं? 130 डिग्री. तो एक्स भी आ गया, तो एक्स वाई अलग. अब देखो थर्ड क्वेश्चन. तो थर्ड क्वेश्चन में भी पैरेललोग्राम है लेकिन डायगोनल बनाया गया. हेलो हाँ हाँ जी बोलिए. मैं जयसवाल सर बोल रहा हूँ. हेलो हेलो हाँ नमस्ते. हेलो ओके ओके अभी एक मिनट मैं ज्वाइन कराता हूँ. पता अभी जब ज्वाइन करेगा तो ही पता चलता. समीर क्या बात नए वाले वोट की हमने बात नहीं की, एक बार बोला था. चलो मैं कर लेता हूँ एक बार और बात, क्योंकि छुट्टी में आप लोग रहोगे फिर रिफ्लेक्शन आएगा ना. चलो मैं बात करता हूँ. आएगा तो आज बात कर लेंगे. चलो बैक कैमरा से कर लीजिए. सर ज़्यादा अच्छी होती. आ रहा है पूरा बोर्ड. हेलो सर अभी पूरा बोर्ड नहीं आ रहा, थोड़ा सा पार्ट आ रहा. थोड़ा सारा पूरा ही होना चाहिए. अभी देखते हैं. चलो आते हैं. पंकज क्या नाम है बेटा आपका? सर आते हैं. चलो अभी कुछ आया? सर पूरा बोर्ड नहीं आ रहा. चलो अभी आ रहा होगा ना. आया? मैं देखता हूँ. लेफ्ट का कट रहा है ना? नहीं पूरा ही आ रहा है बेटा. चलो जहाँ कटेगा बताना. राइट का नहीं आ रहा. अच्छा मेरे हिसाब से तो पूरा है. मैं सर पूरी आ रही बेटा, उसे बड़ा करो. हमारे में पूरा भेज रहा है. चलो सर अनज़ूम करना. हाँ बोल दो क्या बोलना है इसको. अनज़ूम उसको बड़ा कर. सर की जो इमेज है ना उसको जो साइड में थ्री डॉट्स है उसे क्लिक करेंगे तो ज़ूम करने का ऑप्शन आएगा, उसे कर ले. हाँ फिर बोल दो. ये वाई है और ये 30 डिग्री है. दिस इज जेड. ये सारी चीजें अब देखो. सर वो x तो सर 90 डिग्री होगा. तो ये सर लीनियर थी. सर क्यों 90 होगा? सर वो अपोजिट है. सर वो जो डायगोनल देखो x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अपोजिट एंगल्स
अब जरा बताओ यदि x 90 हो गया तो ये y है, तो x प्लस y प्लस 90 क्या होगा सर? 180 डिग्री एंगल है सर, x इक्वल टू 90 से सब 90, तो x 90 लिख दिया सर, और y और प्लस 30 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी यस सर, 60 एंगल सम प्रॉपर्टी, तो दैट इज y प्लस 120 डिग्री इज 180 डिग्री सर, y = 60 डिग्री = y = 180 y = 60 डिग्री यस सर। ओके तो a ही हमारा आ गया और x भी आ गया यस सर, है कल से आ गया, मैं ऑन कर दूंगा पहले से ही, तो आपको फोन नहीं करना पड़ेगा। अब देखो थर्ड देखिए, z z किसके इक्वल है दीपिका? z क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और क्या डायगोनल इसका ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन है ना सर, और ये ट्रांसवर्सल जो दो सर वो 90 डिग्री सर, उससे भी कम z की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते सर, ये नहीं पता, कोई इंटीरियर पैरेलल में होता है, टेढ़ी का भी कोई इंटीरियर का दोगे क्या? ये ऐसे जा रही है, पैरेलल होते हैं कोई इंटीरियर, जब दो ऐसे हो और ऐसे जाए तब कोई इंटीरियर होते हैं, इनको पैरेलल होना चाहिए, ये लाइन पैरेलल है क्या ये वाली, तो कैसे कोई इंटीरियर कर दोगे? तो ऐसा नहीं कर सकते ना, ये तो एक z बन रहा है कि नहीं, दो पैरेलल लाइन है और ये क्या डायगनल इसका ट्रांसवर्सल है, तो बोलो ये एंगल इसके इक्वल कट होगा कि नहीं, क्यों इक्वल होगा सर? अल्टरनेट इंटीरियर है, देखो इस बात को, तो y इज इक्वल टू z या z इज इक्वल टू y, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन y कितना है 60 डिग्री तो ये एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है, आ गया तो z आ गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, तो फोर्थ में ये z है एंड y x एंड 80 डिग्री, तो अब हमें इसमें मानसी y किसके इक्वल होगा सर? y 80 के क्यों इक्वल होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो y तो आ गया। अब शॉर्ट अगला स्टेप बताओ सर, अगला स्टेप है सर x is equal to, sorry, x plus y is equal to 180 degree, x plus y क्यों ऐसा है? सर को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, दैट इज को इंटीरियर एंगल, यहां पर y हमें पता है सर, y is equal to 80 डिग्री, सो सर x is equal to 100 डिग्री सही है, तो x is equal to 100 डिग्री, एक और वैल्यू आ गई सर। आप बताइए कि देवव्रत अगला क्या स्टेप है सर? z equals to सर y, क्यों सर? वो अल्टरनेट, क्योंकि ये एक लाइन है और एक ये लाइन है और ये इन दोनों को ये अल्टरनेट है ना, क्योंकि अल्टरनेट दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो z is equal to y क्यों है सर? अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेटिव मत बोला तो इंटीरियर, तो z क्या हुआ हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, नाउ फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है कि पैरेललोग्राम दिया है और दिस इज y, दिस इज 112, दिस इज x, this is 40 degree, this is z, तो सबसे पहले प्रीति का हम क्या निकालेंगे बोलो जल्दी बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन में हाँ बोलो y, तो y किसके इक्वल है सर? 112 है
दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ सर तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम तो वाई आ गया। अब वाई के आने के बाद अगला स्टेप पलक क्या करेंगे बोलो सर। 40 प्लस ब्लड इक्वल टू 180 डिग्री सर वो सर लीनियर पे 40 प्लस जब बने लीनियर पे 40 प्लस सर 40 प्लस एक्स हां एक्स प्लस वाई प्लस 40 ये किसके इक्वल होंगे इस एंगल में तो एंगल सम 180 एंगल सम प्रॉपर्टी तो हमें वाई पता चल चुका है और अब x पता करना है तो दैट इज x प्लस 152 इज 180 डिग्री तो x कितना आ जाएगा 180 माइनस 28 तो 30 डिग्री इज 28 डिग्री। अब बताओ आगे आर ऑफ x 28 आ गया तो अब क्या करो x is equal to z क्यों सर alternate रूट की रेंज सही है तो z is equals to x alternate interior angles तो z कितना हो जाएगा 28 ठीक है तो these are different parts आप लोग second question करके दिखाइए पूरा सबके diagram भी बना रहे हैं नाउ थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री है तो क्या ए बी सी डी जो कि कोऑर्डिनेटर है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा तो हाँ हो गया ठीक है तो ये अगर 180 डिग्री है तो दिव्या ने बताया यदि दोनों ए बी सी डी तो ऐसा होता है ठीक है ये चीज तो होगी ए बी सी डी ए बी सी डी तो उसने कहा डी और बी 180 है इनका सम तो अब दिव्या ने एक बात बताई कि ये भी 90 हो जाए ये भी 90 हो जाए तो हो जाएगा जरा चेक करें एक एंगल तो इन्होंने कहा कि ये 90 हो जाए तो मैंने डी 90 कर दिया और उन्होंने कहा सर आप बी को भी 90 करो तभी हो पाएगा तो मैंने बी को भी 90 कर दिया बी को भी किया और बी को और सी और ए को बोला तुम जो तुम्हारी जो मर्जी है तुम रहना तो क्या दिव्या की बात सच निकली नहीं निकली क्योंकि इन दोनों को ठीक है दोनों को इक्वल तो होना चाहिए तो दो कंडीशन है दोनों इक्वल भी हों और साथ में जो को इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना हो 180 तब ये चीज हो ये सर उसके लिए तो सर वो रेक्टेंगल होना ही पड़ेगा तो अब देखो दो चीजें होनी पड़ेंगी यानी ए बी सी डी कब हो सकता है सॉरी जमा करो सो ए बी सी डी थ्री अब पैरेललोग्राम कब होगा बोलो जबकि इसमें चारों एंगल 90 डिग्री पहले तो डी बी के इक्वल हो जाए डी को बी के इक्वल होना पड़ेगा कि नहीं तो
ये डी है और ये क्या है बी और ए बी सी डी. इफ एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, इफ एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी. और दूसरी चीज क्या है एंड एंगल ए प्लस एंगल डी वो कितना होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट एंगल है. तो अब जरा डी अगर बी के इक्वल है तो मुझे ये बता दो कि ये इसके इक्वल है तो बोलो डी और बी की सम कितनी है. डी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और डी और बी इक्वल है क्या. Yes, तो मैं बी की जगह भी डी लिख दूं, कोई आपको इससे दिक्कत तो नहीं है. डी और बी इक्वल है, ये क्या लिखा है डी इक्वल टू, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं. Yes, sir. तो ये क्यों इक्वल है sir, अपोजिट एंगल से तो प्रॉपर्टी ही है पैरेललोग्राम की. Yes, तो मैंने इक्वल कर दिए तो बोलो 2d कितना आ गया सर. 2d का सॉरी तो बोलो एंगल डी कितना आ गया कितना है. क्यों तो एंगल ये ऐसा सेकंड दिया तो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री और डी कितना हो चुका है तो एंगल ए प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो फिर ए क्या हो गया बोलो 90 उधर में जाएंगे सबट्रैक्ट करेंगे 90 डिग्री हां माइनस 90 तो कितना हुआ वेट करती हो 90 डिग्री तो 180 माइनस 90 तो ए कितना हुआ. यदि ए 90 है तो रिया अगला एंगल कौन सा 90 होगा. सी 90 होगा क्योंकि वो अपोजिट एंगल है. तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो ये क्या हुआ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो इससे क्या पता चला एज इट्स ऑल फोर एंगल्स आर तो सी और ए भी आ गया और डी और बी भी आ गया 90 डिग्री सो इट इज अ रेक्टेंगल. फिर से समझो तुम्हें कुछ ना लिखना हो तो तुम सिर्फ इतना लिख देना यही आंसर पूरा है कि ये दो कंडीशन फुलफिल होती है देन ओनली पैरेललोग्राम कि डी और बी अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए और अगल बगल के बने. ये सब कुछ नहीं लिखना. ये तो मैंने इन्होंने बोल दिया था पहले कि सर ये रेक्टेंगल है तो हमने इस चीज को एंटीसिपेट किया था कितनी बड़ी बात कर रहे हैं. ये सब इन्होंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया कि चारों एंगल 90 आ गए कि नहीं आ गए. तो इस तरीके से कंडीशन के साथ और क्या कंडीशन होनी चाहिए ये दोनों भी होनी चाहिए. और वास्तव में ये तभी ऐसा हो पाएगा कि जब क्या होगा सो इफ एंगल डी एंड बी इज 180 देन इट मे बी ए पैरेललोग्राम. इफ डी इज इक्वल्स टू बी एंड ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 बोलो क्या दो कंडीशन है कब ये पैरेललोग्राम होगा. वो तो दिया ही है मैंने अब कब ये पैरेललोग्राम होगा. चलो हाँ और अगला बोलो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम एंड एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180. रिपीट करो सर. एंगल डी प्लस एंगल बी अपोजिट एंगल्स होने की एंगल डी प्लस एंगल वो तो दिया ही है अपोजिट प्लस वन प्लस सर. तो यही इसका आंसर है. ये सब तो मैंने बताया कि ये रेक्टेंगल होगा यहाँ आंसर कंप्लीट है. ठीक है करना नहीं है. ये मैंने समझाया कि वास्तव में जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो वो क्या बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा. ये आंसर है. सो इट मे बी ए पैरेललोग्राम. सर रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है.
तो इसका कोई ये बस ऑप्शनल है, यहीं पे ही आंसर स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी हो सकता है, उससे क्या है स्क्वायर होना हो ये कोई डायमेंशन तो दी नहीं है। अब अगला देखिए कि ए बी इज इक्वल टू डी सी अगर 8 सेंटीमीटर हो तो क्या ऐसा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है। देखो तो सेकंड ए बी इज इक्वल टू ये सारी चीजें देखो। तो अब देखो कि ए बी सी डी पहले बनाओ कोऑर्डिनेट बोलो ये क्या एक पैरेललोग्राम होगा प्रीतिका? हाँ रिया क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि ए डी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इट शुड बी इक्वल बट हियर ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी सो इट इज नॉट इक्वल। देखो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम शुड बी यानी तो आर नॉट इक्वल ए डी इज नॉट इक्वल टू किसके इक्वल नहीं है is not equal to DC, so it is not a parallelogram. अब third question देखो, third question क्या कह रहा है? A 70 sir, A is equal to 70 degree and C is equal to 65 degree. चेक करो, मैं A और C दिखा देता हूँ, फिर देवव्रत आप खुद ही decide करना। A, B, C, D, A को मैंने 70 sir, दिखा दिया, और ये 65 है, क्यों नहीं होगा? यही तीन सवाल करके दिखाओ। ये पूरा नहीं लिखना है, ये दो लाइन इसकी लिखनी है, ये दो लाइन इसकी लिखनी है, दो लाइन छह। सर मतलब अगर तो ये लिखना है कि AD is equal to angle B opposite angle parallel, यानी ये पैरेललोग्राम हो सकता है लेकिन ये दो शर्तें फॉलो करे तो ही हो सकता है। तो बस इतना लिखना है ना सर, AD is equal to इधर तक लिखना है। हाँ क्योंकि अभी जैसे दिव्या वर्मा ने एक केस बताया था कि 90-90 हो जाए तो मैंने आपको करके दिखाया कि नहीं, तो वैसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि दूसरी कंडीशन क्या कोई इंटीरियर एंगल की फॉलो हो रही थी वहाँ वो एक टाइट बन गई थी नहीं टाइट टाइट बन सर सेकंड और थर्ड एक बार रहने देना सर आप समझ गए ना ये दोनों चीजें होनी चाहिए नहीं सर सेकंड और थर्ड हाँ सर ऊपर वाले लिखना ए बी इज इक्वल टू डी सी 8 सेंटीमीटर ये तो आप ऐसे बना लेना और बनाने के बाद दिखा देना सीधा फिगर में आप शो कर दो थर्ड के फर्स्ट में नहीं करना है कुछ नहीं करना एग्जाम में बस दो कंडीशन दिखा देनी कि ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो फिर अब हटा दें यस सर यस सर हां बोलो तुम नोट नहीं करते फिर बाद में देखते हो देखने का एक्स्ट्रा समय लेते हो पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। आप ये लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है ना रिस्ट में आपके
कि राइट में था बता कर एम्स की फ्रैक्चर हुआ था, इसीलिए तो एम्स जा रहे हो कि हाथ ठीक हो जाए? नहीं बोल रहे थे वो, उसको लिखने के लिए मत बोल रहा हूँ मेरे बेटे को, क्योंकि वो राजकुमार है और वो लिखवाता है कुछ। फिर हमने कहा ठीक है हम नहीं बोलेंगे। कहाँ के राजकुमार हो? कहा गया है देखो आप ध्यान, यहाँ पर कहा गया क्या एक पैरेलोग्राम हो सकता है, तो उनसे आप बोल दो कि ठीक है हो तो सकता है, लेकिन हमारी दो कंडीशन है, अगर वो तुम फुलफिल करोगे तो पैरेलोग्राम होगा। सो इट कैन बी ए पैरेलोग्राम ए बी सी डी, क्या लिखोगे? इट कैन बी अ पैरेललोग्राम यदि अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए। सर मानसी कर रही है बिल्कुल। ओके तो P इज इक्वल टू D, ठीक है? ये कब हो सकता है? यदि अपोजिट एंगल क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? को इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाना चाहिए? 180। तो ये दो चीज अगर हो गई तो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में को इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, और ये अगर इक्वल है तो बाकी है। सर आप उधर लिखो ये दो लिखो, ये दो सब पॉइंट ही है, ठीक है? और दूसरी चीज में क्या दिखाया जा रहा है बताओ? सेकंड क्वेश्चन में जब सारी वैल्यू डालेंगे तो उसमें पता चल रहा है कि ए बी सी डी में ये देखो ए बी सी डी ये कहा ए बी तो 8 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर है और AD 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4.4 सेंटीमीटर है। आद्या क्या ये पैरेललोग्राम हुआ या नहीं हुआ? बोलो। सर हुआ। हुआ नहीं, नहीं हुआ, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल कहाँ है? एक 4 है और एक 4.4 है, तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। As AD is not equal to BC, so it is not a parallelogram. अब तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज में बता रहा है कि ABCD में दो एंगल दिए हैं, that is एंगल A 70 है और ये 65 डिग्री है, तो आद्या ये parallelogram हुआ या नहीं हुआ? बोलो, इज इट ए पैरेललोग्राम? ये नहीं हुआ, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए पैरेललोग्राम में। क्या इक्वल है? सो एज एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, सो ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम। अब वो कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में कि ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसके अपोजिट एंगल इक्वल हो लेकिन वो पैरेललोग्राम ना हो। सर तो सर इन्होंने बना दिया, यानी देखो काइट जैसा बना दोगे तो क्या अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं काइट में? होते हैं। और साथ में वो एक रेक्टेंगल वो एक पैरेललोग्राम होता है कि नहीं? नहीं ना, ये और इक्वल है, सो अपोजिट एंगल्स इक्वल है बट इट इज नॉट पैरेललोग्राम, इतना ही बनाना है, ठीक है? इट इज ए काइट। और फिफ्थ, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का रेशो क्या है? 3:2 है। तो मान लो अगर ए
बी सी डी, तो ये 3:2 का रेशो है, तो क्या इसे मैं 3x ले लूँ, इसे 2x ले लूँ? ऐसा तुमने पहले किया है ना 6th-7th में, कि मान लो अगर किसी ट्रायंगल, फिर समझो कि मान लो किसी ट्रायंगल के एंगल का रेशो 1:2:3 रेशो है, तो तुम इन एंगल्स को क्या मानोगे निकालने के लिए? एक को x मानोगे, एक को 2x, एक को 3x नहीं मानोगे। मान लो तुम्हारे पास जितना पैसा है उसका दुगना इनके पास है, उसका तिगना इनके पास है, तो तुम्हारे पास x माना जाएगा, इनके पास 2x और इनके पास 3, और तीनों के पास मिला के 18,000 रुपये। यानी बस कि आरव के पास जितना पैसा है, आरव के पास जितना पैसा है, मान लो आरव के पास कितना पैसा है, आरव मनी डबल लिखते हो, डबल, तो अब आरव के पास अगर एक्स मनी है तो बोलो मयंक के पास कितना है, डबल है, और फिर रयान के पास 3x, और तीनों के पास मिला के कितना पैसा, 18,000 रुपए। तो बोलो टोटल कितना हुआ, मेरे पास 3,000 हुई कि नहीं? यस सर। अब बताओ आरव के पास कितना है, 3,000 रुपए, तो मयंक के पास कितना, 6,000, और इनके पास रयान के पास 9,000, तीनों को मेरा समझ आ गई। तो या इसी तरीके से मान लो दो एंगल, यानी एंगल ए इज टू एंगल बी, ये 3:2 के रेशो में है, तो लेट एंगल ए कितना होगा 3x, और एंगल बी कितना होगा 2x, लेकिन क्या कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज कोइंटीरियर एंगल। तो ए की जगह मैं 3x लिख लूं और इसकी जगह 2x, तो बोलो 5x हुआ क्या? यस सर। 5x 180 डिग्री, तो फिर x कितना आ गया, 180 डिग्री अपॉन 5, बोलो कितना होता है, 5 से कट करो, 5 3 15 5 6 36, यदि 36 आ गया तो ए का मीजर बताओ सर, ए का सर, ए तो 3x है ना, यस सर, तो 3 × x की जगह क्या लिखोगे, 36। नाउ प्रीतिका 3 × 36 कितना होता है रिया, 108, सही है, 108 डिग्री, और एंगल बी कितना हुआ मानसी, 2x की वैल्यू लिखो, तो 2 × 36 वो कितना हो जाएगा, तो 72। क्या इन दोनों का सम 180 हो गया है, फिर ये कोई इंटीरियर एंगल है, पैरेलल होगा, इसका मतलब आपका आंसर सही है। अगला देखो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेलोग्राम, इतने पे वो नहीं रुक रहा है, आगे भी कह रहा है मेजर ऑफ ईच एंगल, तो ए आ गया, यस सर, और बी भी आ गया, यस सर, तो ए, तो ए किसके इक्वल होगा, सी, ए इक्वल टू, तो सी इज इक्वल टू ए, दैट इज अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलोग्राम, तो सी भी कितना हो जाएगा, ए के इक्वल लिख दो, 180, और फिर बी किसके इक्वल है, बी, ये भी क्या अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो डी इज इक्वल टू बी कितना, 72 डिग्री, तो चारों एंगल आ गए, यस सर, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये, और ऑल फोर एंगल्स भी है, सर वो तो सर दो आ जाएंगे तभी पता चल जाएगा अपोजिट एंगल, बाकी तो अपोजिट एंगल से पता चल जाएगा। अब देखिए कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, कह रहा है अगल बगल वाले एंगल इक्वल है, ऐसा बता रहा है,
देख लो सिक्स्थ क्वेश्चन, ये पैरेललोग्राम है तो कह रहा है इसमें अगल बगल वाले इक्वल है, अगर ये एक्स है तो क्या ये भी एक्स है? देखो ए बी सी डी, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये गिवन है, क्या चीज कही गई है कि एडजेसेंट एंगल सारी पर ऐसा लिखा है, पढ़ो जल्दी बोलो। yes, ये टू एडजेसेंट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, ये दिख रहा है ना कि ये दोनों इक्वल है, कह रहा है कि नहीं, अलग देखा आपने। yes, लेकिन अच्छा ये मुझे बताओ कि a प्लस b क्या होगा? क्योंकि दोनों इक्वल बी की जगह ए भी लिखूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो बताइए ये टू एंगल ए किसके इक्वल हुआ? तो एंगल ए किसके इक्वल हुआ? यदि एंगल ए 90 डिग्री है प्रीति का तो फिर एंगल बी कितना हो सकता है? रुक जाओ, अगर एक बार पकड़ लेगी फिर पकड़ने लग जाएगी, अभी इसको एक सीधा नहीं मिल रहा पता नहीं का। हाँ बोलो बोलो मान से, क्योंकि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है तो ए 90 है तो बी कितना हो गया 90 डिग्री। अच्छा मानसी अगर ए 90 है तो सी कितना होगा? क्यों? सही है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, क्यों इक्वल होगा? सर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो सी भी 90 हो गया, डी भी 90, डी किसके इक्वल होगा जरा बताओ? डी इज इक्वल टू बी, डी इज इक्वल टू बी, और अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स होता है, लेकिन बी कितना आ चुका है 90. तो इस हिसाब से ये रेक्टेंगल हो गया, ये भी 90 हो गया, सब 90 आ गया, देखो डी भी 90 आ गया, और ए भी, तो इट इज रेक्टेंगल, क्या हो गया? इट इज रेक्टेंगल। आपको दो सवाल करने हैं, एक तो ये बना लेना, टाइप तो बना लोगे ना? यस सर। फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, बस सर गाइड, फिफ्थ में दे शो। हाँ बस इसमें कुछ करना नहीं है सर, गाइड में नहीं है मतलब। हाँ बोलो आद्या बोलो, तो क्वेश्चन फिफ्थ को और बस समझा देंगे। फिफ्थ में कह रहा है कि आमने सामने के एंगल इक्वल हो लेकिन वो पैरेललोग्राम ना हो, तो बोलो काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है? अच्छा फिफ्थ बोला, फिफ्थ समझो, फिफ्थ में कह रहा है कि अगल बगल के एंगल ए और बी का रेशो 3:2 है, तो 3:2 है तो वास्तव में हम उन्हें क्या ले सकते हैं, 3x और 2x ले सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यहाँ x क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मान लो दो लोगों के पैसे का रेशो 3:2 है या 4:5 है, तो 4x और 5x लेते थे कि नहीं, 7th क्लास में भी ऐसा लिया है, तो 3x और 2x हमने ले लिया, तो उनका सम क्या हुआ बोलो 3x और 2x का? 180, क्योंकि कोइंटीरियर एंगल है, तो 3x plus 2x 180, तो 5x 180, तो x 36 डिवाइड करने पे, x आ जाने पे x की वैल्यू रख दो, a 3x लिया था, तो 3 × 36, और b क्या 2x लिया था, तो 2 × 36, तो a और b आ गए। तो सर हम लोग सर इतने करने नहीं रुक सकते सर, बाद में लिख देंगे क्या? वो कह रहा है कि सारे निकालो, सारे तो निकल गए ना सर, पैरेललोग्राम है। हाँ तो अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि सी ए के क्यों इक्वल है, आपने सर रेशियो क्यों दिया, रेशो का मतलब है कोई 3 और 2 तो नहीं हो सकता है, क्या तो ये 3 और 2 का रेशो है, बुक में दिया है 3:2 है, तो क्या वो 3 डिग्री और 2 ही डिग्री हो सकते हैं, तो वो तो 180 हो जाएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री वो उनका रेशो है, तो तुरंत तुम्हारे मन में आएगा अच्छा वो 3 डिग्री 2 डिग्री है तो जरूर 3 और 2 का रेशो है, तो दिस बाई दिस करो तो अपने आप 3:2 का रेशो, जरा देखो ये इनका रेशो है 3:2, जरा इनको 6 से डिवाइड करो, 6 1 = 6, 6 2 = 12, और इसको करो 6 1 = 6 और 6 8 = 48, अब इन दोनों को 6 से डिवाइड करो तो क्या 3:2 का रेशो आ गया सर? बट सर 3:2 से लगाना जो है वो डायरेक्ट ये सिर्फ है,
लेट ए इज इक्वल टू 3x बी इज इक्वल टू 2x तो वो लिख दिया तो सर ऊपर से 3 टू 2 वाला लिखना जरूरी है ये हां ये दिखाया जाता है अगर ऐसे ना लिखो तो ऐसे लिख दो कि एंगल ए अपॉन एंगल बी इज इक्वल टू 3 बाय ये समझ में आ गया ये लिख सकते हो नहीं सर ये नहीं लिख इनका रेशियो मतलब इनका ये रेशियो है दिस बाय दिस इज 3 बाय 2 तो हम क्या लिखेंगे ए इज इक्वल टू 3x क्योंकि वो कुछ कट के आया होगा ना सिंपली तो 3 और 2 डिग्री नहीं तो वो हमने लिख दिया फिर इसके बाद ये आ गया ये देखो कह रहा है कि अगर ए और बी इक्वल है तो सारे एंगल बताओ ए और बी इक्वल है तो क्या ए और बी का समान नहीं है तो बी की जगह ए लिख दें क्या क्यों लिख दिया क्यों बोले बी ए है और क्या कुछ भी लिख दो तो बी तू भी लिख देना तो फिर उसे ए निकलेगा वो भी 90 है तो ए आ गया 90 फिर बी 90 आ गया फिर अपोजिट कर लेना चलो तो आपको तीन क्वेश्चन करने हैं फोर सिक्स क्वेश्चन में सर डायग्राम गिवन होगा सिक्स में कुछ गिवन नहीं है उसमें सर डायग्राम तो रख दो सर वो डायग्राम बनाना पड़ेगा वरना ठीक है डायग्राम होगा इसी में आप ये तो लिख लोगे ना ये 3x है 2x है चलो देखो जो हमने गोला किया है वो तो हम उसको कर देंगे कि वही चीज है ना सर इधर करो ना इधर से ढंग से दिखता है इस वाले साइड में देखो अभी ये जो लाइट अगर मैं बंद कर देता हूँ तो क्या ये चीज नहीं हो गया सर अब कम हो रहा है सर कम हो रहा है सर उसका भी आ रहा है सर कम हो रहा है बोर्ड वाला सर इधर तो सर मोटर ही कम है सर वो समझ में आ गया तो लाइट की डायरेक्शन हमें बदलनी पड़ेगी यहाँ लगाने के लिए चलो अब आगे देखें ठीक है ना हो इधर इधर से नहीं होगा तो काम बन जाएगा ओके लाइट
गया सबका। अब ध्यान दो, नेक्स्ट इज द एडजेसेंट फिगर होप इज पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल फिगर एक्स वाई के, तो होप को पैरेललोग्राम बनाओ। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमको इसमें क्या बताना है, क्या एक्स वाई जेड बताना है? सो एक्स वाई जेड इसमें बताइए। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या वाई 70 के इक्वल हो सकता है? यस सर, यस सर। इन्होंने बताया, आप लोगों ने नहीं बताया, इन्होंने बताया कि ये लाइन ऐसी जा रही है और ये ऐसी जा रही है, कहाँ 70 हो जाएगा? वो बोले पैनल को कट करे तो हो, क्या ये फुल एंगल वाई है? क्या फुल तो नहीं है भाई, तो फुल एंगल 70 होगा। दिव्या ने तो मना कर दिया सीधा, आप लोग यस बोलते रहे। उन्होंने कहा आपकी लाइन पैरेलल है ही नहीं, अल्टरनेट है ही नहीं, अरे टेढ़ी में जाती क्या अल्टरनेट, तो कोई और टेढ़ी कर दे, लो 80 डिग्री को बताओ 70 कर सकता है कोई? क्या तो इस तरीके से ये नहीं हो सकता है। अब आगे देखो सर, ये 70 है तो बोलो ये एंगल क्या होगा? 110 से 110 एंगल का नाम बताओ। लीनियर पेयर, एंगल एच ओ पी, बीच में एच ओ है ना, तो बीच में वो लिखेंगे कि नहीं, एच ओ पी, ये एंगल कौन सा माना जाएगा? एच ओ पी। अब इधर देखो कि प्लस 70 डिग्री, एच ओ पी और 70 डिग्री मिलके क्या होगा बोलो? 180 डिग्री। क्यों ऐसा होगा? लीनियर पेयर सर, एच ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कितना हो जाएगा एच ओ पी? 110 डिग्री। ठीक है, नाउ इट इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, सो दैट इज 110 डिग्री। वो सही है। अच्छा एक बात और बताओ शौर्य, कि ये जो पैरेललोग्राम है और इसमें ये लाइन गई है, ये 70 डिग्री है और एक यहाँ से गया, तो क्या ये पूरा भी 70 होगा? क्या ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है? बोलो। तो हम चाहें तो ये मेथड करें या दूसरा भी कर सकते हैं। हम लिखते हैं 40 प्लस z, ये 70 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या इसके इक्वल होगा? क्या ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है? तो इसको लिख लीजिए, दिस इज करेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर z कितना हो जाएगा बोलो? 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, माइनस 40 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। अच्छा z अगर 30 डिग्री हो गया है, अब मुझे बताओ कि सर y, अब y निकालना है तो y इक्वल्स टू 40 डिग्री y z y, तो फिर तब भी हमें HOP को निकालना पड़ेगा, एच ओ पी तो जरूरी है ना। जेड 30 आ गया और ये भी आ गया, और ना लगाइए, जेड भी 30 आ गया। अब इस पर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा दो, तो बोलो एंगल जेड प्लस वाई और प्लस एच ओ पी, ये कितना होगा? 180 डिग्री। तो बोलो एच ओ पी कितना आया? 110। प्लस z और प्लस y, z कितना है? 180 डिग्री। तो बोलो y प्लस 140 डिग्री कितना आ गया? 180 डिग्री। तो y कितना हुआ? 40 डिग्री। y 40 डिग्री आ गया। सर आपने HOP के लिखा, वो नहीं लिख सकते, O पे दो एंगल बनना है, एक इधर भी बनना है इधर। लेकिन मुझे कुछ लोग बताएं, क्या ऐसा कुछ प्रॉपर्टी आपने 7th में पढ़ा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है? यस सर। चलो एक बार हम इस सवाल को और करते हैं, दो तीन मेथड है। ये मुझे बताओ वाई प्लस जेड किसके इक्वल है? सर 70। ये ट्राइंगल है,
तो बोलो ये वाई है और ये जेड है और ये 70 डिग्री। तो ये हमने बताया ना एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है? सर y + z = 70 डिग्री। तो क्यों ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है? क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अच्छा फिर से देखो कि मान लो ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो कोई मुझे बताएगा ये कितना है? कोई बता दे सर 80 डिग्री। अच्छी बात है। अब फिर ये कितना हुआ सर? ये 100 डिग्री। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि इन दोनों का सम इसके इक्वल है? यस सर। तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ठीक निकली है। देखो इन दोनों का सम किया फिर ये निकाले तो बोलो ये क्यों 180 है? तो जब दो चीजें किसी एक चीज के इक्वल होती हैं तो क्या वे आपस में इक्वल होती है? यस सर। तो क्या 4 + 3 ये किसके इक्वल मान लिया जाए? एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब 4 को उधर ले जाके माइनस कर दो तो क्या 4 कट जाएगा? तो सिंपली को भी कट कर दो तो क्या 3 इक्वल आ गया 1, 2 के? यस सर। तो क्या यहाँ तक ये कंफर्म हो चुका है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है? यस सर। तो बोलो y + z किसके इक्वल हुआ? सर 70 डिग्री। और ये क्यों हुआ? सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा y + z 70 हो गया। ये बोलो 40 प्लस जेड किसके इक्वल होगा? सर 70। क्यों हुआ? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग। कितनी बात समझ में आ गई? बोलो अब मुझे बताओ 40 प्लस जेड 70 हो गया, ये पूरा एंगल इसके इक्वल हुआ, ये समझ में आया ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? यस सर। तो बोलो जेड कितना हुआ? 70 - 40 = 30 डिग्री। क्या ये 30 डिग्री हो गया? Yes, sir. अब ये 30 डिग्री हो गया, इस 30 को इसमें पुट करो वन इक्वेशन में। सर y + 30 डिग्री। y + z कितना बोलो? y + 30 सर 70 डिग्री। तो बोलो z की जगह क्या रख दिया जाए? तो y कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। तो आपके पास y आ गया और z आ गया। अब आपको क्या चाहिए? x चाहिए। सो x के लिए क्या करेंगे? तो पहले आपको अब एच ओ पी तब भी निकालना ही पूरा को इंटीरियर होगा। बोलो 40 डिग्री प्लस जेड एक एंगल है और x ये दूसरा एंगल है। बोलो क्या दोनों का सम 180 होगा? बोलो ये एंगल और ये कौन सा एंगल है बताओ? क्या ये एंगल एच है? और ये कौन सा एंगल है? एंगल एच की वैल्यू कितनी है? 40 प्लस z, तो z प्लस x बोल सही है। और z की वैल्यू कितनी है बताओ? अच्छा तो यहाँ लिख लें को इंटीरियर एंगल, तो 70 प्लस x 180 डिग्री। तो x कितना हो गया? तो फिर एच ओ पी लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको करोगे तो क्या करोगे? एच ओ पी प्लस 70 = 180, तब फिर एच ओ पी निकल आएगा। फिर एच ओ पी को किसके इक्वल करोगे? अब देखो ये 110 हो गया, अब ये 70 है, तो आप क्या करोगे? इसको इसके इक्वल करोगे तो ये 30 आ जाएगा। क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, और फिर इसके बाद ये 30 आ गया, तो 30 प्लस 110 और प्लस वाई कर लेना। समझ आया? अगले क्लास में इसको फिर से बताएं। यस सर। एक बार और तो इसको कई तरह से किया जा सकता है।
कॉफी मिल जाएगी वीडियो बंद कर।